हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम केएसआईएस एकेडमी वेलकम यू ऑल। 67th बीपीएससी टेस्ट सीरीज 25 अगस्त से केएसआईएस एकेडमी में शुरू हो रहा है। पिछले दो वीडियो से फ्रॉम इन द लास्ट टू वीडियोस आपको ये जानकारी हम दे रहे थे कि 25 अगस्त से केएसआईएस एकेडमी में 67th बीपीएससी टेस्ट सीरीज चालू हो रहा है। किस तरह से टेस्ट सीरीज कंडक्ट होगा वो सब हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। आज का जो टेस्ट सीरीज के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं वो मुख्यतः ऑनलाइन मोड के लिए है। जो बच्चे ऑनलाइन मोड से हमारे टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये कहने में हमको बहुत हर्ष हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी इन अनाउंसिंग कि 12 दिसंबर 2021 ये इस दिन को निर्धारित किया गया है आपके 67th बीपीएससी पीटी के एग्जाम्स के लिए। 25 अगस्त 2021 से 30 नवंबर 2021 तक मंडे टू फ्राइडे हम लोग ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे। टोटल टेस्ट में जो नंबर ऑफ सेट्स है, टोटल सेट, टोटल जो आपका टेस्ट सीरीज होगा वो है 50। और टोटल क्वेश्चंस जो हम लोग ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से अटेम्प्ट करेंगे वो होगा 3000 एंड इट विल बी थ्रू अ डिटेल्ड डिस्कशन। हर एक सेट में सेक्शन ए रहेगा 25 क्वेश्चंस का, जो कि इंडिया एज अ होल, पूरे भारत का समान अध्ययन हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी यानी क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक आपका बिहार स्पेशल होगा। तो एक सेट में 50 क्वेश्चंस होंगे, 1 to 25 आपका इंडिया होगा और 26 to 50 आपका बिहार स्पेशल होगा। और हर एक टेस्ट में एक एक पर्टिकुलर हम लोग टॉपिक लेके चलेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कोई टारगेट कोर्स जो ज्वाइन करते हैं या फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसको क्रमबद्ध तरीके से कोर्स वाइज उसको फिनिश किया जाता है। हम लोग जो मोड अपनाए हैं, जो सक्सेसफुल मोड है, ये जो मॉडल है सक्सेसफुल है, सफलतापूर्वक इसको किया गया है और उस अनुभव के आधार पर हम लोग इसी कोर्स को, बीपीएससी पीटी के कोर्स को कंप्लीट करेंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और जो ऑनलाइन में बच्चे जुड़ेंगे आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है। आपको पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा पीडीएफ में। 5:30 बजे से लाइव यूट्यूब पे आपका डिस्कशन होगा। 5:30 से 6:30 हम लोग 1 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 मिनट का ब्रेक होगा। फिर 6:30 से 7:30 हम लोग 26 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे ऑनलाइन मोड के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप 9386541201 पर आपको ज्वाइन करना है। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर 4-5 घंटा पहले मिल जाएगा ताकि आप क्वेश्चन पेपर को रिवाइज कर सके और YouTube पे हम लोग का लाइव इंटरेक्शन हो जाएगा। यदि आपको किसी तरह का डाउट होगा डिस्कशन में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। पेड व्हाट्सएप ग्रुप में फायदा ये होगा कि मान लीजिए किसी टॉपिक पे आपको नोट्स चाहिए तो वो पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको दे दिया जाएगा। यदि आप कोई डाउट YouTube के माध्यम से नहीं पूछना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट जो है आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। आपको एक निर्धारित टाइम दे दिया जाएगा कि इस दिन आप जो है अपने डाउट को रखिए और
फोन के माध्यम से हम आपको समझा देंगे या कोई और दूसरा विकल्प जो अच्छा लगेगा वो हम लोग कर लेंगे। तो पेड व्हाट्सएप ग्रुप का फायदा है। अब जो है हमारा हरेक जो टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज है, और हरेक टेस्ट के पहले 12 घंटा पहले आपको हम सैंपल भेज देंगे कि ये टेस्ट किस टॉपिक पे निर्धारित है। तो जो टेस्ट वन होगा जो 25 अगस्त 2021 को 5:30 बजे से जिसका डिस्कशन चालू होगा, वो टेस्ट होगा इंडिया के इंट्रोडक्शन पे, यानी एक भारत का समान परिचय। जैसे कि हम लोग का क्लास होता है या टेस्ट सीरीज होता है, फाउंडेशन होता है, मेंस कोर्स होता है, वो बाइलिंगुअल होता है, यानी दोनों लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में। उसी मोड में आपका जो है ये टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होगा। इसलिए क्वेश्चन पेपर को हम लोग इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पढ़ेंगे, और डिस्कशन भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होगा। आप जो है अपना उस हिसाब से रजिस्टर बना लीजिएगा ताकि आप नोट्स जो है बनाते रहें क्रमबद्ध तरीके से प्लान्ड मैनर में। तो टेस्ट वन जो है वो आपका इंडिया के इंट्रोडक्शन पे है, भारत के परिचय पे है। तो देखिए हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं कि सेक्शन ए से किस तरह का क्वेश्चन रहेगा ताकि आपका नोट्स मानसिक रूप से आप तैयार हो जाए, और सेक्शन बी में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा ताकि अपना एक रजिस्टर आप बना चुके, ताकि एग्जाम के नजदीक पहुंचते से पहले 30 नवंबर के बाद आपका कॉपी ही, आपका रजिस्टर ही, आपका नोट्स ही सब कुछ रहेगा, जिससे कि आपका आप देखेंगे कितना फायदेमंद होगा। आपके एग्जाम्स के हर एक क्वेश्चन इस रजिस्टर से आएंगे, क्योंकि हम लोग इतना थॉरो डिस्कशन कर लेंगे। अब देखिए हम लोग डिस्कशन किस तरीके से करेंगे। हम एक एक आपको क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को उदाहरण स्वरूप एज एन एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस कर ले रहे हैं, और अगला वीडियो में हम टेस्ट टू का क्वेश्चन देंगे। तो देखिए जो टेस्ट वन है वो इंडिया इंट्रोडक्शन या भारत के परिचय पे है, 1 से 25 क्वेश्चन जो होगा वो भारत पे आधारित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है हम पढ़ते हैं इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्यूटेड साइट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, मतलब इंडिया और म्यांमार के बीच में वो कौन सा क्षेत्र विवादित है। आपको ऑप्शन है डोंग विलेज, दूसरा ऑप्शन है चाकुन पास, तीसरा ऑप्शन है सर क्रीक, चौथा ऑप्शन है कांगला पास, ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत और म्यांमार के बीच विवादित स्थल है, डोंग विलेज या डोंग गांव, चौकन पास या चौकन दर्रा, सर क्रीक या कांगला पास या कांगला दर्रा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका कांगला पास जो है ये भारत और हिमालय पे के बीच है, आपका सर क्रीक जो है ये आपका गुजरात और पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की बात की जा रही है। तो ऑप्शन आपका या तो डोंग विलेज होगा या चौकन दर्रा होगा। चलिए इसको हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं, लेकिन सही आंसर है इसमें से कोई नहीं। क्यों ऐसा हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए जो डोंग विलेज है, डोंग ये गांव है, ये डोंग गांव है, ये आपका ये अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है, माने भारत का सबसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सीमा पे सबसे जो सीमा पे सबसे ज्यादा सीमस्त गांव जो है वो है आपका डोंग गांव। ये कहिए भारत चीन सीमा पर देश का आखिरी गांव है ये डोंग गांव। और सबसे मजेदार बात यह है कि सूरज की पहली रोशनी भारत के धरती पे इसी गांव पे पड़ती है। द फर्स्ट सनराइज अकर्स इन दिस विलेज
दैट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया चाइना ऑन बोथ दिस कंट्रीज। अब मैप में देखिए, यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, यह है अरुणाचल प्रदेश, यह है असम, यह है म्यांमार, यह वाला पोर्शन है म्यांमार, और यह है चाइना या तिब्बत आप कह सकते हैं। अब डोंग गांव है ये डोंग गांव जो है सबसे पूर्वी क्षेत्र में, भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र का यह सीमा है, ये डोंग गांव है। इसके बाद आपका जो है दूसरा देश चालू हो जाता है। यह डिस्प्यूटेड नहीं है, दिस इज एन अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी, यह अविवादित क्षेत्र है, इसमें किसी तरह का सीमा का कोई विवाद नहीं है। लेकिन डोंग गांव के नीचे जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, या कहिए दक्षिण पूर्व में जाएंगे, तो यहां पे जो क्षेत्र है वो है विवादित। कहने का मतलब है कि एक अंजाव डिस्ट्रिक्ट है, किबिथू करके अंजाव डिस्ट्रिक्ट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वो म्यांमार के साथ उसमें विवादित है, लेकिन डोंग गांव विवादित नहीं है। यदि क्वेश्चन आता जो है अंजाव डिस्ट्रिक्ट के दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है, या डोंग गांव के जो दक्षिण पूर्व क्षेत्र है वो विवादित है, डोंग गांव अविवादित है, इट इज एन अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी। अब देखिए दूसरा है चौकन पास या चौकन दर्रा। यदि आप असम के समतल मैदान से म्यांमार की तरफ जाएंगे, इफ यू ट्रैवल थ्रू द प्लेन्स ऑफ असम एंड इफ यू हैव टू गो टू म्यांमार, then you have to cross Chokan Pass that is situated between India and Myanmar. It is in Arunachal Pradesh. ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये भी अविवादित क्षेत्र है, ये undisputed territory है। तीसरा option है सर क्रीक। सर क्रीक जो है ये कुछ जो क्षेत्र है इसकी एक अपनी आर्थिक जो है सुविधा है, इट इज ऑफ सम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसकी आर्थिक महत्व है, जो कि पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए जरूरी है। तो यह क्षेत्र विवादित है, लेकिन क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है भारत और म्यांमार के बीच, न कि भारत और पाकिस्तान के बीच, तो सर क्रीक भी नहीं है। कांगला पास जो है ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो सही ऑप्शन होगा Which of the following is a disputed site between India and Myanmar? Dong village नहीं है, Chokan Pass नहीं है, Sir Creek नहीं है, Kangla Pass नहीं है। तो सही option है none of the above या E option। निम्नलिखित में से कौन भारत और म्यांमार के बीच विवादित स्थल है? तो Dong गांव या Dong village नहीं है, Chokan Pass नहीं है, Sir Creek तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और Kangla जो है भारत और नेपाल के बीच में है। तो सही आंसर है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 50 के बीच में, आपका टेस्ट 1 सेट बी। चूंकि 1-25 भारत का परिचय, तो 26 से 50 आपका बिहार का परिचय। तो हम लोग बिहार इंट्रोडक्शन पे, समान जानकारी पे, बिहार परिचय पे ये क्वेश्चन नंबर 26 से 50 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 29 है, बाइलिंगुअल मोड में, फर्स्ट इंग्लिश। हु हैज रिटन बिहार स्टेट प्रेयर? उदित नारायण, एम आर चिश्ती, साधना सरगम, सत्य नारायण। ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। बिहार हिंदी में, बिहार राज्य प्रार्थना किसने लिखी है? उदित नारायण, एम आर चिश्ती, साधना सरगम या सत्यनारायण, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही ऑप्शन है बी, एम आर चिश्ती। बिहार का राज्य प्रेयर क्या है? व्हाट इज द स्टेट प्रेयर? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, यह है बिहार का स्टेट प्रेयर या राज्य
प्रार्थना, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। उदित नारायण ने इसे गाया है और मुजफ्फरपुर में मारवन ब्लॉक है जिसमें जहाँ पे एक स्कूल स्थित है, उस स्कूल को हम लोग उर्दू मध्य विद्यालय के नाम से जानते हैं। तो मुजफ्फरपुर के मारवन ब्लॉक के उर्दू मध्य विद्यालय में एक शिक्षक हैं जिनका नाम है एमआर चिश्ती, और ये एमआर चिश्ती द्वारा ही बिहार राज्य का प्रार्थना को लिखा गया है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। तो टेस्ट वन जो हमारा 25 तारीख को होने वाला है वो आपका भारत और बिहार के परिचय पे होगा, और जो दूसरा वीडियो, अगला वीडियो हम लोग जारी करेंगे वो टेस्ट टू के टॉपिक पे रहेगा। और इसी तरह हर एक टेस्ट के पहले हम एक सैंपल आप लोग को जारी करते रहेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए कि अगला नोट्स हम लोग को किस टॉपिक पे बनाना है, और इसी क्रमबद्ध तरीके से मंडे टू फ्राइडे हमारा जो है ये टेस्ट सीरीज चलेगा। थैंक यू।